तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पर और एस्पेक्ट रेशो 16:9 लेनी है क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ के लिए हमें आउटपुट बनाना है। तो 16:9 की एस्पेक्ट रेशो को मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और मीडिया वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और बैकग्राउंड में जाके आपको एक काले रंग का यानी कि ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसके लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। आपको इसकी लेंथ को 20 सेकंड्स सेट कर लेना है क्योंकि आउटरो की जो लेंथ है वो आपको 20 सेकंड्स ही रखनी होती है क्योंकि आउटरो की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो होती है 20 सेकंड्स। आप मिनिमम 5 सेकंड्स रख सकते हैं और मैक्सिमम 20 सेकंड्स रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम 20 सेकंड्स ले लेता हूँ और 20 सेकंड्स लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है लेयर पे और लेयर पे जाने के बाद आपको जाना है ओवरले पे और ओवरले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर मेरे मोबाइल पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्यूरी शेप्स एंड फ्यूरी बॉर्डर्स। ये टेम्पलेट्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आउटर बनाने के लिए, पर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अपने काइनमास्टर में जाएंगे तो आपको ये टेम्पलेट्स वहाँ पे शो नहीं होगा, आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे नीचे जो बटन आ रहा है गेट मोर, इस पर आप क्लिक करेंगे गेट मोर पे एंड गेट मोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइड में जो ऑप्शन दिख रहे हैं एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डेकोरेटिव, मैं डेकोरेटिव पे क्लिक करता हूँ तो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा तो यहाँ पे आप अगर देखिए तो ये आपको मिल जाएगा ये सीरी शेप्स। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है, पर आपको पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, आपको डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है तो आपके काइनमास्टर के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा। और फ्री शेप्स इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और करना है इंस्टॉल जिसका नाम है फ्री बॉर्डर्स, वो आपको मिल जाएगा ये फ्रेम्स के अंदर। आप फ्रेम्स में जाएंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये फ्री बॉर्डर्स भी आपको मिल जाएगा, इसको भी आपको सेम तरीके से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आपको फ्री बॉर्डर्स वाला ऑप्शन लेना है और आपको ये इस तरह का बॉर्डर यहाँ पे ले लेना है। इसका साइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे साइज को छोटा कर लेना है और इसको लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे लगा देना है और इसकी लेंथ को भी आपको अपनी जो ब्लैक आपका जो स्टार्टिंग में हमने ब्लैक लेयर ली थी उसके लेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग यानी 20 सेकंड्स इसको इक्वल उसके कर देना है। उसके बाद सेम आपको फिर से जाना है लेयर पे एंड अगेन ओवरले और आपको लेना है फ्री शेप्स पे और फ्री शेप्स में आपको ये जो राउंडेड वाली शेप है सर्कल वाली इसको ले लेना है और ओके कर देना है और इसका साइज भी आपको थोड़ा सा छोटा कर देना है जो कि इसके इक्वल दिखे, मैं इतना रख लेता हूँ। और इसके बाद आपको ओके करना है और इसकी लेंथ को भी आपको उसी के इक्वल कर देना है यानी कि 20 सेकंड्स आपको कर देना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ तो 20 सेकंड्स कर देना है और 20 सेकंड्स करने के बाद इसको आपको फिर से जाना है इस वाले पे और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा तीन डॉट्स आ रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ऑप्शन दीजिए डुप्लीकेट ताकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा ताकि इस पर साइड में इसको ड्रैग करेंगे राइट में तो ये सेम ऐसा ही आपको मिल जाएगा क्योंकि हमने उसको अभी डुप्लीकेट किया है। अगर आपको डुप्लीकेट नहीं करना तो आप वहीं ओवरले पे जाके वहाँ से भी कर सकते हैं, पर इससे अच्छा है कि आप यहीं से डुप्लीकेट अगर कर लेंगे तो आपको दोबारा से ओवरले वाले ऑप्शन में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से आप बन गया है तो इसकी बिल्कुल तीनों के लेंथ जो है आपको 20 सेकंड्स के इक्वल कर लेनी है, ये रहा मैंने कर दिया है इसको। अब साथ ही इसमें आप चाहें तो कोई म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे म्यूज़िक भी ऐड कर लेता हूँ, मैं म्यूज़िक भी यहाँ पे ऐड कर लूँगा जैसे कि मैं ऑडियो पे जाता हूँ। पर म्यूज़िक ऐड करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री हो, जैसे मेरे पास कुछ एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक पड़ा हुआ है तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैं आगे से कट कर देता हूँ इसकी लेंथ के इक्वली इसको कर लेते हैं। तो ये मेरा पूरा जो एक प्रोफेशनल आउटरो है अब बनके यहाँ पे तैयार हो गया है।